हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिमालया प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश का रिव्यू, और ये भी बताऊंगी कि ये एक्चुअली में आपके पिंपल्स को प्रिवेंट करता है कि नहीं, और इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइज गो एंड सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो ये आपको किसी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रिसीव नहीं होती है, सिंपली आपको इसे ट्यूब में मिलेगी। और ये ट्यूब काफ़ी हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, और इसकी क्वांटिटी 50 ml है, और इसकी MRP 79 rupees प्रिंटेड है, बट आपको 79 से कम में मिल जाएगा। और 3 years इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर आप इसे किसी भी शॉपिंग ऐप से ख़रीदते हो या फिर आप अपने आसपास के मार्केट में लेने जाते हो तो गाइज आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। और इसी फेस वॉश का आपको बड़ा वाला पैक भी मिल जाएगा और इससे छोटा वाला पैक भी मिल जाएगा। और इसी ट्यूब के बैक में आप देख सकते हो इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है और डायरेक्शन टू यूज़ भी मेंशन है। बट अगर आप किसी भी फेस वॉश को यूज़ करते हो तो गाइज मेक श्योर कि आप उस फेस वॉश को अपने फेस पर लगभग 1 मिनट तक ज़रूर रब कीजिए। इससे आपका फेस वॉश अच्छे से काम करता है और आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपका फेस क्लीन होगा तो आपके फेस पे जो एक्ने पिंपल जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे। तो जब भी आप फेस वॉश यूज़ करें तो उसे ज़रूर 60 seconds तक ज़रूर अपने फेस को रब करें, और दिन में 2 बार अपने फेस को ज़रूर वॉश करें सोने से पहले और दिन में। इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और स्किन प्रॉब्लम्स आपसे दूर रहेंगे। चलिए मैं अब आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ गाइस। ये देखिए, इस तरह का क्रीम कलर का फेस वॉश है, बहुत ही लाइट टेक्सचर है, आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, हेल्दी करता है, और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होता ये फेस वॉश। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली में आपके पिंपल्स को प्रिवेंट करता है कि नहीं। जैसे कि इसके ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ है कि नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश है। नीम एंड टर्मरिक नॉर्मली आपके पिंपल और एक्ने को दूर करते हैं, बट ये फेस वॉश ऐसा कुछ काम नहीं करता है, ये एक्ने पिंपल को नहीं हटाता है। अगर आपके फेस पे एक्ने या पिंपल है और आप सोच रहे हो कि इस फेस वॉश को यूज़ करें तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करता है। आप इसे अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। जिनको पिंपल्स नहीं है, ये आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, रिफ्रेश करता है, बट ये पिंपल प्रिवेंट नहीं करता है। तो अगर आप इस फेस वॉश को यूज़ करना चाहते हो तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। वैसे काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, बट गाइस पिंपल प्रिवेंट नहीं करता है। तो ये था मेरा रिव्यू गाइस। मैंने इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।